सलमान जी ये तो हमें भी बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। मुंबई की आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे देश की तस्वीर के बारे में, देश की तकदीर के बारे में, और आम मुंबईकरों का जो रिएक्शन है उसको आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। और जाहिर सी बात है, देश की तस्वीर तब बदलती है जब जनता वोट देती है। आज हम कांदीवली इलाके में हैं, कांदीवली ईस्ट का इलाका है, काफ़ी सारे लोग हैं, आज इनसे ही जानते हैं। रोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आखिरी वोट हुआ रहा है, तस्वीर बदलने की बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री बदलेंगे, सरकार बदलेगी, आम मुंबईकर होने के नाते आपको क्या कहना है और क्या सोचते हैं देश के बारे में आप? सर, देखिए, आज आखिरी दिन है हमारे लोकतंत्र के महायज्ञ का, जिसमें हमारे सारे इवन मुंबईकर्स पूरे देश ने हैं अपना अपना थोड़ा थोड़ा आहुति दिया है। आज हमारा लास्ट तारीख है जो कि 12 मई है, 16 मई को जो है बिल्कुल रिजल्ट आ जाएगी सर। इस हमारे मुंबईकर्स का यही कहना है सर कि इस बार जो 18 और 28 के बीच में जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने जो इनिशिएटिव्स लिया है, इसके पहले 2009 या उसके पहले का अगर आप इलेक्शन देखते हैं तो इनिशिएटिव हमारे यंगस्टर इतना इनिशिएटिव्स नहीं लेते थे या वोटिंग करने जाते भी नहीं थे, बट आप देखेंगे इतना वोटिंग परसेंटेज भी इस बार बढ़ा है और हमारे यंगस्टर जो है फुल घर से निकल कर, कॉलेज से निकल कर, ऑफिस से निकल कर जो है वोटिंग्स में शामिल लिए हैं और अपना अपना जो है आहुति उन्होंने दिया है सर। तो हमारा सर कह सकते हैं इस बार जो है हमारे यंगस्टर्स का यही कहना है सर, यंगस्टर्स का यही थिंकिंग है कि वो पार्टी को ना देखते हुए एक उम्मीदवार को देख के वोट किया है उन्होंने, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो सर। क्योंकि सर यहाँ पे अगर हम पार्टी की बात करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर हम पार्टी की बात करते हैं, अगर पार्टी एक कोई भी, चाहे वो बहुवली हो या उनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, चाहे वो वाइट कलर हो, वो देख के यहाँ पे टिकट नहीं देते हैं। उनका कितना बड़ा बोलते हैं ना कि पहुँच है, कितना उनके पास पैसा है, कितना मसल पावर है, मनी पावर है, उसके हिसाब से टिकट दे देते हैं। तो हम यंगस्टर वो ना देखते हुए एक साफ छवि, एक वाइट कलर उम्मीदवार को हमने वोट किया है। पर्टिकुलरली अगर मेरा अगर विचार आप अगर पूछेंगे तो उत्तर मुंबई के लिए मैंने संजय निरुपम जी के लिए पिछले एक महीने से काफ़ी भाग दौड़ किया था। हमने व्हाट्सअप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, हमारे जो कॉन्टैक्ट्स थे कॉलेज में, स्कूल्स में, सोशल साइट्स में, या हमारे जो कम्युनिटीज़ वाले हैं, या हमारे जो मित्र हैं, या पोईसर के जितने भी जनता हैं, हमने उनसे अपने लेवल पे कॉन्टैक्ट्स करके जो है एक अच्छे उम्मीदवार को वोट करने के लिए कहा था, और जो हमने ये पर्टिकुलर ये लोकेलिटी में संजय निरुपम जी को समर्थन दिया था। बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में एक वोटर का बहुत बड़ा योगदान होता है, ताकि देश की तकदीर और तस्वीर जब भी बदलती है तो सबका योगदान होता है। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे। पुरुषोत्तम चौधरी मेरा नाम, मैं इधर। तो चौधरी जी, ये बताइए अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अब सरकार के बाद हमने जो सोच करके वोटिंग किया है, नया सरकार मतलब जिसके वोटिंग किए, मतलब आप परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाहते हैं यहाँ पे कि जो नए, अभी इसमें कह नहीं सकते कि किसका, जिसमें जो अपना विकास जिसके वजह से है, नया सरकार चाहते हैं उसके वजह से। ठीक है, और कुछ आप चाहते हैं कि सरकार में किस तरह की भूमिका सरकार की हो, या फिर आप अपने लिए कुछ चाहते हैं देश से? देश के लिए विकास चाहते हैं, विकास, जो नया सरकार आए उससे विकास का उम्मीद रखते हैं हम, उस हिसाब से वोटिंग किए हैं कि कोई नया सरकार आए तो वोटिंग मतलब विकास हो। चलिए, आप अपनी उंगली दिखाइए, आप दाग वाला। अरे क्या हमारा वार्ड। चलिए, ये उंगली जो है, ये दाग बहुत ज़रूरी होता है वोट को कहीं ना कहीं से अपनी, हमने प्रिजर्व रखा है सर दिखाने के लिए। जाहिर सी बात है, एक दाग जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र के लिए, जिससे देश की तस्वीर बदलती है। अब भी और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं, आप वोट देते हैं कि नहीं? बगैर बोले इन्होंने बता दिया, इन्होंने वोट दिया है। आप क्या चाहते हैं देश को की जो तस्वीर कैसी होनी चाहिए? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि खाली उत्तर मुंबई एक ऐसा जिला है जहाँ से कि यहाँ पे सब बोल रहे थे कि हाँ मोदी वेव है थोड़ा बहुत, लेकिन पहली बार ये उत्तर मुंबई में एक ऐसा रिजल्ट आने वाला है कि जिसके अंदर कि हम युवाओं ने, जबकि मैं ठाकुर कॉलेज से हूँ तो हमारे कॉलेज के भी युवाओं ने काम देखा है, ना कि सब लोग ने क्या बोला कि मोदी जी हमारे रहेंगे वो दिल्ली में रहेंगे, लेकिन उत्तर मुंबई में संजय निरुपम की हम युवाओं को इसलिए ज़रूरत है कि वो पहले इंसान है जिन्होंने पहली बार युवाओं के लिए कुछ सोचा,
उन्होंने बीच में रोजगार मिड़ावा रखा पब्लिक के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, वो सब भी हमारे ध्यान में था। बीच में उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक से एक प्रोग्राम रखा, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए उन्होंने अपना फास्ट रखा। तो हम लोग ने ये सब सोच के कि एक सांसद अगर आम जनता के लिए इतना कर सकता है, जबकि वो सांसद है, उसे जबकि पूरे भारत में एक वही एक सांसद है जिसने फास्ट रखा। आज तक मैंने टीवी में या कहीं पे भी किसी भी ऐसे रिजल्ट क्या निकला उसका? रिजल्ट देखिए सर, वो तो 16 मई को ही बता सकते हैं हम। वो आपके एमपी साहब ने जो फास्ट रखा था उसका रिजल्ट क्या हुआ? सर उसका रिजल्ट निकला कि अभी बीच में पृथ्वीराज चौहान जो यहाँ के मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, उन्होंने बोला कि 18% अभी इस टाइम कम आ रहा है बिल, 18% का कटौती हुआ। तो इससे हमें ये लगा कि संजय निरुपम ना कि अपने लिए सोचते हैं, वो पब्लिक के लिए सोचते हैं। इस सोच के लिए हमने निरुपम जी को वोट दिया। यह अभिव्यक्ति की अपनी आज़ादी है और कोई भी अपने तरीके से देश के बारे में सोचता है, नेताओं के बारे में सोचता है। आज हम कांदीवली में हैं और आने वाले समय में हम कुछ और लोगों से आपको मिलवाएंगे अलग अलग इलाकों में। फिलहाल आपसे जाना, आपका नाम बताइए। गणेश मिश्रा। मिश्रा जी, आप किस तरह की सरकार चाहते हैं, आप बदलाव कैसा चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार हो जो मेरे देश में विकास हो अच्छी, जो आज नए यंग लड़के लोग है आज जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, जो जिससे आप एजुकेशन करने के बाद ही उनको 6,000-7,000 की जॉब मिल रही है। महंगाई इतनी हो गई वो उनका बराबर घर नहीं चल रहा है, पूरा परेशान हो जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसे होना चाहिए, जो जॉब मार्केट में जॉब होना चाहिए, जो नए लड़के लोग हैं उसके लिए कुछ अच्छा बेनिफिट होना चाहिए। हम इस टाइप की सरकार चाहते हैं। आप कुछ सजेशन भी देना चाहेंगे युवाओं को? हम सजेशन यही देना चाहते हैं इस युवा को, जो भी कैंडिडेट खड़ा है वो देखे, जो पहले सोचे वो किस टाइप के कैंडिडेट है, क्या है नहीं है, उनका पूरा ये करे। उसके बाद जैसे हमारे निरुपम जी है इस एरिया में अच्छा काम किए हैं और हम लोग उनको तहे दिल से ये करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और हमेशा करते हैं। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? दिल्ली में सर सरकार जो ना अभी तो कुछ बता नहीं सकते, अभी तो कहने के लिए वो केजरीवाल बोलते मेरा ये है, मोदी जी बोलते मेरा ये है, तो वो जीत बोलने के लिए तो सब जीत रहे हैं। अभी ये तो 16 मई को ही पता चलेगा जो किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही, अभी तो सब जीत रही है। वक्त बताएगा किसकी सरकार बनेगी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से यही सवाल उठता है कि कौन क्या चाहता है, और हम आम आदमी के साथ हमेशा मुंबई की आवाज़ के जरिए अपनी उनकी भावनाओं को पहुँचाते हैं आप तक। आपका नाम जानना चाहें। दीपक। दीपक जी, आप क्या चाहते हैं सरकार के बारे में, या फिर आज इलेक्शन का आखिरी दौर चल रहा है, कैसे देखते हैं? जी मैं यही चाहता हूँ, कोई भी पार्टी हो कोई भी कैंडिडेट हो, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो नीयत और एक लक्ष्य। नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट और किसी भी पार्टी की। सेकंड लक्ष्य आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लेकिन सारे कैंडिडेट सारी पार्टी आज के डेट में जो भी पॉलिटिक्स में इस देश में लड़ रही है, सबका लक्ष्य ये है कि हम किस तरह से अपना सीट निकाले, वे किस तरह से हमको हमारी पार्टी जीत जाए, सबका लक्ष्य ये। लक्ष्य आपका विकास नहीं है, लक्ष्य इस देश में हर एक पार्टी हर एक कैंडिडेट का सिर्फ जीत है। जब भी आपका लक्ष्य जीत हो जाएगा तब आप विकास नहीं कर सकते हो, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हुए हैं तो भी उनका लक्ष्य है लोगों के लिए काम करना, देश का समाज का विकास करना, और वो अपने लक्ष्य में कामयाब भी रह चुके हैं। लेकिन हमारे 80% पॉलिटिक्स जो जीत के जाते हैं नेता, उनका लक्ष्य होता है जीतना, और जीतने के बाद उनका लक्ष्य विकास नहीं होता ही नहीं है। फिर उनका लक्ष्य सीधे हो जाता है 5 साल बाद फिर से हमको टिकट मिलेगा और फिर से हम चुनाव लड़ेंगे और फिर से हम जीतेंगे। सारा पॉलिटिक्स सारा पार्टी सारे नेता इस देश के भ्रष्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो भी हमें उम्मीद है कि शायद इस देश का कुछ हो सकता है। लेकिन इस देश का जो आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा, शायद मुश्किल लगता है, कम समय में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन शायद विकास होवे, किसी की भी सरकार आवे विकास होवे अच्छा हो, लेकिन नीयत होगी अच्छी तभी सब कुछ अच्छा होगा। बहुत ज़रूरी है, विकास में अगर आप कोशिश करते हैं तो आप अपना जो आपकी जो सोच है वो बहुत मायने रखती है। बहुत सारे लोग हैं सर, आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरह की सरकार की उम्मीद करते हैं और वाकई तस्वीर बदलेगी? हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं यूपी से यहाँ शादी में आया हुआ हूँ, लेकिन हमारा ये तो भारत की सबसे बड़ी पंचायत का इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, तो मोदी जी की जो सरकार बनने वाली है वो बहुत अच्छी बात है। सरकार बदले, मोदी की सरकार बने, परिवर्तन चाहते हैं। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं हरीश चंद्र राय। आपको क्या कहना है देश के बारे में, अभी इलेक्शन ख़त्म होने वाले हैं, अभी कोई नेता पे भरोसा नहीं है, चाहे कोई भी बीजेपी कांग्रेस कोई भी भरोसा नहीं है। वोट देते हैं आप? मैं वोट दिया, लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो नया ऑप्शन था ना एक, वो नहीं, हाँ। कोई नेता पसंद नहीं आपको? कोई पसंद नहीं, कोई पसंद नहीं। वाकई
जितने लोग हैं उनकी अपनी अपनी राय है और निश्चित रूप से जनता की राय बहुत मायने रखती है सरकार के लिए, देश के लिए। और हम मुंबई के कई इलाकों में चलेंगे, लेकिन चलते चलते आप बताइए क्या करना चाहते हैं। सर लास्ट सिर्फ दो मिनट बोलना चाहूँगा, हम अपने नेता के चाहे वो कोई भी चुन के आए सर, मैं उनसे सिर्फ एक ही सजेशन उनको देना चाहता हूँ, वो चुन के आए बट वो आजकल जो ट्रेंड चला है ना वो 20 और 25 दलाल को पाल के रखने में, वो आप दलाली वाला जो नेतागिरी छोड़ दीजिए और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखिए पब्लिक के साथ, नहीं तो आने वाले समय में एक बार आप जीत जाएंगे बट दूसरी बार फिर वही नया डूबने वाला है। इस बार दिल्ली में चाहे कोई भी आए, बॉम्बे में कुछ कोई भी आए, लेकिन लहर इस बार बदलाव का दिख रहा है सर। सर आपसे जानना चाहेंगे, आप किस तरह से देखते, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं मेरे राय में कुछ है नहीं, कांग्रेस के बारे में कांग्रेस जीत जाओ तो सरकार अच्छी चलाएगी। वो लहर मोदी की है ऐसी सुनने में आई है बात? लहर मोदी की है लेकिन उम्मीद इससे कम है कि वो जीत जाएगी। वाकई जनता जो भी बोलती है सोच समझ के बोलती है और बोलने का जो हक है उसको वो समझती है। तो निश्चित रूप से मुंबई की आवाज़ में और भी कई लोगों से आपसे मुलाकात कराएंगे। इस बार लोकसभा चुनाव का 9 चरण देखने को मिला और निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने ये कोशिश की कि हर चुनाव में जो भी मतदान हो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। अभी हमने कांदिवली के लोगों से मुलाकात की थी, अब हम अंधेरी इलाके में आ गए हैं। सबसे पूरा आप देख सकते हैं, ये हमारे कैमरामैन सदन शक्ति अंधेरी इलाका दिखाएं। और जाहिर सी बात है मुंबई की अपनी अपनी पहचान होती है, हर गली हर सड़क कुछ ना कुछ कहती है। अभी कांदिवली इलाके से हम निकलकर सीधे अंधेरी इलाके में आए हैं और अंधेरी के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार वो क्या सोचते हैं। भाई साहब आपका नाम जानना चाहेंगे? रवि चौबल। रवि जी आप किस तरह से देखते हैं कि अभी चुनाव खत्म हो गए हैं, 9 चरण में चुनाव हुए, आप किस तरह की उम्मीद करते हैं, कैसी सरकार होगी, क्या आप चाहते हैं? हम चाहते तो यही हैं जो भी सरकार बने जिसकी भी बने महंगाई कम हो जाए, बस यही चाहें, और आगे देश की तरक्की हो। जो भी पीएम बने बस देश के बारे में सोचे, अपने बारे में ना सोचे। ये बहुत ही अहम बात है, महंगाई से हर आदमी त्रस्त है और एक उम्मीद है कि अगर सरकार नहीं बने तो महंगाई से निजात मिले। आप अपना ये बताइए, आपकी क्या सोच है देश के प्रति? अभी चुनाव खत्म हो गए जी, मैं तो ये चाहता हूँ अब की बार बदल दो सरकार, इस बार भाजपा की सरकार आनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने बहुत राज कर लिया, अब एक बार भाजपा को भी मौका मिलना चाहिए और देश की जनता जो तरह सरकार से किस तरह की उम्मीदें चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? बस यही चाहता हूँ कि जो देश की महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये थोड़े कम हो। आपको लगता है कि मोदी सरकार आएगी तो आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएंगी? जी भाजपा की गतिविधि देखकर तो यही लग रही है और जिस तरह से मोदी से पूरी देश की जनता उम्मीद लगाए बैठी है तो मोदी जी भी चाहेंगे कि कुछ ना कुछ कुछ हद तक तो कार्य करेंगे ही करेंगे। तो मोदी जी से जो उम्मीदें हैं वो एक मतदाता होने के नाते है और हर कोई चाहता है कि देश में बदलाव आए और परिवर्तन की जो ये एक जो चाहत है लोगों की, हम सबसे बात कर रहे हैं। भाई साहब चुनाव के बाद हर मतदाता यही चाहता है कि उसकी उम्मीदों पर सरकार बने, लेकिन आम आदमी क्या सोचता है क्या कहता है यही हम जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए, अभी चुनाव खत्म हो गए हैं, आप आम आदमी होने के नाते, वोटर होने के नाते क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, आम आदमी ये चाहता है कि एक अच्छी सरकार हो, सेकुलर सरकार हो और विकासशील देश को और विकसित करे। हर आम आदमी का यही सपना होता है और यही हर आदमी साकार करना चाहता है उस सपने को। लेकिन मैंने ये देखा कि सारी चीज़ें जितनी जो पार्टियां डिवाइड हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं और अपनी सारी चीज़ें होती हैं विकास के मुद्दे को छोड़कर और कुछ और ही रास्ते पर बढ़ जाती है, तो उसमें ये होता है कि एक आम आदमी जो है विकास की रास्ते को छोड़ करके वो भी उसमें बिल्कुल ऐसा मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसको चुनूँ किसको ना चुनूँ। लेकिन वो तो चुनने के बाद ही जाहिर सी बात है सरकार जब मिली जुली होगी, किसी को एक अस्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा किसी बड़ी पार्टियों को, जो भी होगी मिली जुली सरकार होगी वो किसी की भी हो, बगैर क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के कोई भी सरकार नहीं बना सकता है, ये बिल्कुल मैं लिख कर दे सकता हूँ दावे के साथ में, क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत योगदान होगा। जो अभी देश में जो मोदी की लहर की बात की जा रही है उसको आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? देखिए जहाँ लहर की बात होती है, चूँकि आज की तारीख में पढ़ा लिखा हर नवयुवक जानता है एडवर्टीजमेंट का ज़माना है, कोई फिल्में अगर शुरू होती हैं तो हम उसका एक बजट एडवर्टीजमेंट के लिए रखते हैं, खासतौर से जितना उसको आप हाईलाइट करेंगे जिस अंदाज में प्रेजेंट करेंगे
उस अंदाज में लोग पब्लिक उसको अप्रिशिएट करेंगे और वही ज़्यादा हाईलाइट होगी। ये तो पढ़े लिखे जो शहर के लोग हैं वो तो ये समझते हैं कि चलो भाई ये पब्लिसिटी स्टंट है, सारी चीज़ें हैं, इसको कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक जो सबर्बन के हैं, देहात साइड के हैं, वो ये नहीं जानते, वो उसको लहर समझते हैं। तो ये शहरी और देहात के जो वोटर्स हैं उनमें ये फ़र्क होता है, वो लोग ये समझ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया, ये सच है कि आज तक किसी भी राजनेता को किसी भी पार्टी ने इतना ज़्यादा पब्लिशाइज नहीं किया, एडवर्टीजमेंट नहीं दिया जितना कि दिया गया। मतलब कुल मिला के आपको लगता है कि इस बार परिवर्तन की लहर देखने को मिलेगी? जी हाँ, परिवर्तन तो हर कोई चाहता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वो तो होना ही होना है। अब हाँ, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हर मतदाता अपनी उम्मीदों पर खरा खरी सरकार जो भी हो खरा खोटी सुनाने की हिम्मत रखता है, क्योंकि आम आदमी की ताकत से ही सरकार बनती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी चुनाव खत्म हो गए हैं, आपको एक मतदाता होने के नाते क्या सब महसूस होता है और क्या लगता है कि वाकई परिवर्तन होगा? देखिए, हिंदुस्तान क्या 60 साल से ऊपर हो गए हैं, आज़ाद हुए, और जो भी पार्टियां दोनों, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को मौका मिला हिंदुस्तान को सुधारने के लिए, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। हर आदमी चाहता है कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो, कुछ नई बात हो, हर आदमी को काम मिले, हर आदमी प्रगति करे। सारी दुनिया में क्या से क्या हो रहा है, ये आज दुनिया बहुत छोटी हो गई, संचार क्रांति ऐसे हो गई, इंटरनेट पे सारे अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह की लाइफ स्टाइल आज देख सकता आदमी। हर आदमी चाहता है कि हमारा भी जीवन वैसा ही हो, तो उसके लिए आदमी की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई। कोई चाहता नहीं कि बेईमानी, और कोई भी आदमी 1000 करोड़ आज अपने लेके दबा ले, कुछ भी काम हो तो 500 करोड़, 1000 करोड़, कोई भी नेता आज राजनेता के किसी के घर पे भी जाके यदि छापा डले तो मालूम पड़ेगा इतना पैसा निकल जाएगा। तो हर आदमी चाहता है कि भाई अब ये सब बातें बिल्कुल बदल जाए, मतलब कोई ऐसा सत्ता में आए कि कम से कम आदमी बेईमानी का जो ये भूत जो लगा हुआ ना हर आदमी के खून में, जैसे हो गया कि भ्रष्टाचार, मेरे को सत्ता, वैसे आदमी बुरा ही करता है लेकिन जगह मिलती है तो आदमी वही करने लगता, तो आदमी इस चीज़ों से त्रस्त हो गया। तो अब ये हर आदमी के दिल की यदि आत्मा की आवाज़, वो वोट किसी के दबाव में कुछ भी कर दे लेकिन उसकी आत्मा की तो आवाज़ ये है कि भाजपा हो कांग्रेस दोनों का ही काम ख़त्म हो, और नई पार्टी का हो, केजरीवाल आए, कुछ ने कुछ किया, वो जो कुछ भी बोलता है तो कम से कम कुछ कर रहा है। और उसने बोला था 15 दिन में लोकपाल बिल नहीं लाऊंगा तो सत्ता छोड़ दूंगा, तो छोड़ दी थी उसने। लोगों को लगता है कि क्यों छोड़ दी, लेकिन वो अपने वचन की प्रतिबद्धता, इतना आदमी नहीं तो आज ये सब दूसरे नेताओं को देखो जो अभी कोई आए भी नहीं, चुने भी नहीं गए, और अपने आप को कोई प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहता है। तो ये उसने सत्ता में आने के बाद चीफ मिनिस्टर की सीट 15 दिन में छोड़ दी, तो मतलब मामूली बात नहीं, उसको सत्ता का कोई मोह नहीं, वो दुनिया में अपने हिंदुस्तान को कुछ बदलाव करना चाहता है। तो मैं कोई उसका केजरीवाल या किसी का पर्टिकुलर मैं पक्ष लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हर आदमी की आत्मा की आवाज़ क्या है। यदि आप करना चाहते हो तो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, वो करें, लेकिन वो तो अपनी लाल बत्ती, जैसे ही सीट पर आते तो लाल बत्ती लगा कि हम अलग हैं, तुम आदमी हो, तुम कीड़े हो, अभी कल तक तुम थे लेकिन वह वोट दे दिया, तुम अलग हट जाओ, अब हम सीट पे आ गए हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम मंत्री हैं, हम क्या हैं, अब तुम्हारी क्या औकात है, हम कार में चल रहे हैं, तुम पैदल हो, अब तुम चाहे हमारे दोस्त हो लेकिन कल तक तुम्हारे दोस्त थे, आज हमारा कुछ नहीं। ये एकदम सीट पे आते से ही आदमी की ये मानसिकता हो जाती है, तो ये मानसिकता आदमी बदलना चाहता है। ऐसा क्यों, जब कल हमारे साथ बैठता था, चाय पीता था, आज नेता हो गया तो आज क्यों, आज वो हवाई जहाज में ही क्यों, आज ये देखिए आपकी एक हर घंटे घूमने का, हेलीकॉप्टर का इसका भाड़ा कितना लगता है, हैं, और हर नेता इधर उधर प्रचार कर रहा है, यहाँ से वहाँ तक सारे टीवी के चैनल खरीद लेता है, तो ये सब क्या है, आदमी परेशान हो गया है, आदमी परेशान हो गया है, लेकिन परेशान नेता नहीं हुआ है। और इनका साफ कहना है कि पावर मिलते ही, कुर्सी मिलते ही, सत्ता का सुख मिलते ही इंसान की सोच बदल जाती है, खासकर उस इंसान की जिसे हम नेता कहते हैं, मंत्री कहते हैं। आपको लगता है कि वाकई ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। पहले तो हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, लेकिन वही जब कोई मंत्री बन जाता है तब उनके पास आप अपना काम लेकर जाइए तो सबसे पहले तो वो अपने जो उनके चमचे हैं वो आपको उन तक पहुंचने ही नहीं देंगे, और जब उन तक पहुंच भी जाएंगे
तो फिर आपका काम ही नहीं करेंगे। मतलब ये तो है, मतलब रंग बदल ये मैनिफेस्टो तय करते हैं पार्टी की तरफ से, लोग आश्वासन देते हैं, उस पर आपको कितना विश्वास होता है? मैनिफेस्टो सिर्फ लुभाने के लिए होता है यार, जितना मैंने देखा है किसी ने इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। और जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है उस पोस्ट पर आदमी पहुंचता है तो 10 बहाने कि अपोजिशन वालों ने करने दिया उस पर इल्ज़ाम लगा देगा। और ये सारी चीज़ें होती हैं अपने आप को वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। मैनिफेस्टो को कोई मतलब नहीं है, मेन चीज़ क्या है कि मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करना, वो पब्लिक तक जो वादे किएंगे उस वादे को पूरा करना। और जब कोई करने लगता है, मान लीजिए कुछ अच्छे लोग जैसे केजरीवाल ने कोशिश किया लोकपाल पास कराने के लिए, लोगों ने अपोजिशन को उसको लागू ही नहीं करने दिया, बताइए। पास तो कर दिया लेकिन लागू नहीं करने दिया, तो वो क्या कर सकते हैं बेचारा? इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता था नहीं। यहाँ पर पार्टियाँ कोई भी हो, नेता कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मजबूत आदमी चाहिए, केजरीवाल जैसा आदमी चाहिए, आम आदमी जैसा चाहिए, आम आदमियों की जो रहनुमाई कर सके। ये नहीं कि वो सुख सत्ता भोगने के लिए सारी चीज़ें, अगर उसको ये होता तो सीएम बना रहता वो आदमी, जाते ही नहीं। अब वो तो ने अपनी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, उसको कोई कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो विरोधी लोग हैं उस पर उंगलियाँ उठाएंगे, 10 इल्ज़ाम लगाएंगे, इल्ज़ाम लगाने के बाद उसको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे, देखिए ना उस पर कितने जुल्म किए गए, हाथ छोड़े गए। ये सब अपने लोकतंत्र में ये है ही नहीं है। आपकी बार मोदी सरकार की जो बात सुन रहे थे वो आपको लगता है उस पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं, इसमें डाउटफुल इसलिए है कि किसी पर कहा नहीं जा सकता। देखिए आप हाईलाइट को, जो फिल्में बहुत ज़्यादा पब्लिशाइज की जाती हैं, बहुत हाईलाइट की जाती हैं, वो तो देखने के बाद ही पता चलता है सुपर फ्लॉप हुई या हिट हुई है ना। बात करेंगे आपसे, अभी हमारे साथ कुछ यंग लड़के हैं, बच्चे हैं यहाँ पर, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, और आप लोगों से जानना चाहेंगे कि अभी इलेक्शन का दौर ख़त्म हो गया है, आप लोग क्या उम्मीद करते हैं देश से कि सरकार कैसी होनी चाहिए, और कौन सा नेता जो है जो अच्छा काम कर सकता है? अपने हिसाब से बोलिए, आप अपना नाम बताइए। आप सनी। सनी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कैसी सरकार होनी चाहिए? आने वाली सरकार अच्छी होने वाली है, और अच्छी रहने वाली है। जो मोदी सरकार जीत के आएगी तो अच्छा है, राहुल गांधी जो काम कुछ किया तो नहीं, ऐसे सब आदमी लोग बच्चे लोग सब शहर में वैसा ही चर्चा चालू है, सब जगह वैसा ही चालू है। अभी जिधर उधर बोलेंगे सबका पोस्टर विस्टर सब लगे हुए हैं। थैंक्स। आपका नाम बताइए। गौरव। आपको क्या लगता है, आप कितना सोचते हैं देश के बारे में, या फिर आपको वाकई इंटरेस्ट है देश की पॉलिटिक्स में? हाँ सर, आपके इस बार आने वाली सरकार अब मोदी है, क्योंकि देश में पूरी महंगाई हो गई है, क्यों महंगाई कम करने के लिए आप मोदी सरकार कम कर सकती है, अब की बारी मोदी सरकार ही आएगी। हर जनता उम्मीद करती है कि शायद कुछ बदलाव आ जाए, और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर कोई त्रस्त है। भाई साहब आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुरेश वेलू है। सुरेश जी आप क्या कहना चाहेंगे देश की तस्वीर के बारे में? अभी लोकतंत्र का जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, मुझे ये लगता है कि जो भी हो रहा है, नरेंद्र मोदी सरकार हो या राहुल गांधी का सरकार हो या आप सरकार हो, मुझे एक थोड़ा सा खटकता है, नरेंद्र मोदी सरकार का शायद आना पॉसिबल है, लेकिन क्या ये जो देश है ये डिक्टेटोरियल सिस्टम के तरफ जा रहा है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा घबराहट है। जो एजुकेटेड है आप को शायद सपोर्ट करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अगर आती है तो क्या एक तरह से हुकूमत शाही के तरफ हम जा रहे हैं, इस बारे में मुझे डर है। लेकिन अगर हम परिवर्तन की बात करते हैं तो आपको लगता है इस बार हर चुनाव में एक आम आदमी जो है, मुंबई का हो या दिल्ली का हो, कहीं का भी हो, बदलाव चाहता है, आपको लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? ज़रूर होगा। मैं एक ट्रेनर हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं नॉर्मली, और मैंने अब तक जितने भी स्टूडेंट्स से बात किए हैं, ज़्यादातर बच्चे जितने भी हैं सब ने यही कहा है कि उनको परिवर्तन चाहिए, और ज़्यादातर बच्चे परिवर्तन के ही पक्ष में हैं। सरकार की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आम आदमी का जो एक अलग तरीका होता है सोचने का, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी मेरा नाम ज्योत्सना है, और मुंबई में रहते हुए मुझे आज 3 साल हो गए हैं। अगर जहाँ तक कहूँ कि अगर इंडस्ट्री है यहाँ पर बिकॉज ऑफ इट्स वेरी फेमस, लेकिन अगर विकास की बात कहूँ, विकास हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ। आज की डेट में मेट्रो है, मैं देख रही हूँ कई सालों से बन रही है, आज हम 10 साल हो गए सुनते हुए, बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग कि चलो चल रही है। गंदगी अगर आप कहेंगे, रफ्तार बहुत है हमारे शहर की, रफ्तार बहुत है, लेकिन अगर कहेंगे जगह जगह गंदगी बहुत है, और रफ्तार को रोकने के लिए सड़कें जो हैं वो काफ़ी छोटी हैं और शहरों की अपेक्षाएँ। तो बदलाव ज़रूरी है, विकास ज़रूरी है पहला मुद्दा, और जो 10 सालों से जो सरकार आ रही है, चली आ रही है, जो बदलाव लाने चाहिए थे देश में वो नहीं हुए। तो मेरा तो कहना ये है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है और सरकार का बदलना बहुत ज़रूरी है।
अब की बार किसकी सरकार की बात, मोदी सरकार की बात आ सकती है, केजरीवाल का नाम आ सकता है? नहीं नहीं, मैं तो केजरीवाल का बिल्कुल नाम ही नहीं कहूँगी। जिन्होंने दिल्ली छोड़ दी, जो दिल्ली छोड़कर भाग गए, सत्ता में आते हुए उन्होंने सत्ता छोड़ दी तो बाकी क्या चलाएंगे? जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी तो वो देश को क्या चला सकते हैं? तो मैं तो यही कहूँगी कि आनी चाहिए तो अब की बार मोदी सरकार। चुनाव का मौसम बीत चुका है और अब रिजल्ट की बारी है, तो निश्चित रूप से इस क्लाइमेक्स के दौरान नेताओं की धड़कनें जहां बढ़ेंगी वहां जनता की उम्मीद बढ़ेगी। और क्यों, लगातार हमने लोगों की राय से आपको अवगत कराने की कोशिश की कि अब आने वाले दिनों में सरकार कैसी बनेगी, तो उसके लिए 16 तारीख का इंतजार हमें करना होगा ताकि इस देश की तस्वीर और तकदीर बदल सके। आज के इस सफर में इतना ही, लेकिन लगातार आप बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जो वोटिंग है ये बंपर माना जाए।